जनरली क्या होता है कि हम लोग सेंसेक्स को निफ्टी को एज ए इन्वेस्टर ट्रैक करते हैं एंड वी फोगेट अबाउट द मार्केट कैपिटलाइजेशन विच इज एक्चुअली दी वे टू मेजर द मार्केट के मार्केट्स में क्या चल रहा है तो 1995 से अगर आप शुरू करोगे तीन लाख ,00 से तीस लाख ,00 तक पहुंचने में उसको दस साल लग गए थे फिर तीस लाख ,00 से सौ लाख ,00 करोड़ पहुंचने में मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर ऑल दोज आर नॉट अवेयर इज जितनी भी लिस्टेड इक्विटीज हैं उनके मार्केट प्राइस इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन सो नेक्स्ट टेन इयर्स में ये सत तीन तीस लाख से सौ लाख पे पहुंचा सौ लाख करोड़ पे फिर अगले तीन सालों में सौ लाख से डेढ़ सौ लाख पे पहुंचा और फिर दो से दो तक साढ़े लाख पे पहुंचा वे अभी अगर आज का बिल्कुल फ्रेश डेटा उठाओगे तो फोर लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है सो दिस इज एक्चुअली द ट्रू मेट्रिक्स टू अंडरस्टैंड के uh, की मार्केट परफॉर्मेंस क्या चल रहा है सेंसेक्स एंड जो निफ्टी है वो तो टॉप थर्टी और टॉप फिफ्टी कंपनीज़ का आंकड़ा बताते हैं हालांकि वो भी ऑलमोस्ट फोर्टी परसेंट ऑफ द मार्केट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फोर्टी फिफ्टी परसेंट का मार्केट शेयर टॉप थर्टी टॉप फिफ्टी कंपनीज के पास ही है बट अगर आपको पूरे मार्केट के बारे में जानना है तो बी मार्केट कैप इज़ दी मेजर विच यू शुड बी कंसिडरेस कंसिडरिंग अब ये मार्केट कैप से हम बेसिकली बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं आपको यहां पे अगर आप देखोगे ये वाला फेज दिस वन टू थ्री एंड फोर 2009 से लेके 2012 तक हमने मार्केट कैप को बढ़ते हुए ही नहीं देखा एंड दैट वाज अ पेनफुल एरिया दिस वन दिस फेज आप देखो द मार्केट कैप डिज नॉट राइज एंड नाउ वी आर सीइंग फ्रॉम द लास्ट थ्री फोर इयर्स यहां पे आफ्टर वन डिप ये थोड़ा सा एंड फिर एक सडन राइज दिखाई दिया है सो फॉर एज अ इन्वेस्टर अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं बढ़ेगा तो इट कैन बी अ पेनफुल जर्नी फॉर यू एज अ इन्वेस्टर क्योंकि आपकी ग्रोथ नहीं नजर आती है बट मार्केट कैप क्यों बढ़ रहा है चाहे आई पी ओज हों एस एम ई आई पी ओज हों ये, या चाहे नया नया पैसा हो उसकी वजह से शेयर प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो इन सब की वजह से मार्केट प्राइजेज बढ़ रहे हैं एंड मार्केट मार्केट कैप बढ़ रहा है मार्केट कैप को क्यों बढ़ना पड़ेगा बिकॉज तो इतनी सारी इतनी सारी अनलिस्टेड कंपनीज हैं जिन्होंने सेबी uh, के साथ ऑलरेडी अपने आई लिस्टिंग के लिए प्रोस्पेक्ट बना लिए हैं अर्जी दे दी है विद इन द नेक्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव सेवन टेन ईयर्स यू विल सी द मार्केट विल बी बॉम्बार्डेड विथ वेरी 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 गुड कंपनीज एंड वेरी 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 बैड कंपनीज तो उसकी वजह से आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डिसिप्लिन नेचर आपको विनर बनाने की तैयारी करेगी सो इन सच अ मार्केट कंडीशन जब मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता रहेगा और क्या आपके रिटर्न्स बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ तो आपकी चॉइस ऑफ फंड्स चॉइस ऑफ एसेट क्लासेस बहुत मायने रखती हैं सो so, आपको ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है ये हमने वही मतलब दिस इज क्रेजी आप देख रहे हो एस एम का जो मूव है दिस हैज़ बीन क्रेजी इन द लास्ट फाइव ईयर्स मतलब संभड़ी हूँ वुड हैव इन्वेस्टेड इन एस एम ई आई पी ओ वुड हैव मेड लाइक करोड़ एंड करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज़ में भी अरब्स की भी हम बात कर सकते हैं अब द पॉइंट टू टू नोट इज़ के एक्चुअली मार्केट में बाय एवरी मूव इज़ बींग वॉट इन टू एक तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी पुश तो है ही पीपल हैव गॉट लॉड ऑफ मनी पीपल आर ऑफ लोडिंग देक्स फ्राम एवडीज गोल्ड रियल इस्टेट वो तो एक कहानी है ही है ही उसके अलावा लिक्विडिटी पुश के अलावा जो एक्चुअली मतलब जो एक्चुअल रीजन है वो है ईपीएस ग्रोथ अर्निंग्स पर शेयर जैसे कहते हैं ये आप देखो दिस इज द ग्रोथ दिस इज द ग्रोथ जो हम बात कर रहे हैं निफ्टी 24,500 पे तो है ही बट अर्निंग्स पर शेयर इज सपोर्टिंग दिस प्राइस जो अर्निंग्स हैं मतलब शेयर प्राइजेस तो बढ़ रहे हैं बट इट इज सपोर्टेड बाय बाय द अर्निंग्स इज सपोर्टेड द प्रॉफिट्स अगर आप दूसरा फेज देखोगे पे, यह वाला फेज, यहां द अर्निंग्स वर नॉट राइजिंग सो दिस वॉज अ पॉइंट ऑफ वरी फॉर द मार्केट के शेयर प्राइजेस बढ़ते हैं बट अर्निंग्स नहीं बढ़ रही थी इसमें क्या हो रहा है इट इज कैचिंग अप अगर आप देखोगे शेयर प्राइजेस तो बढ़ रहे हैं बट अर्निंग्स भी स्विफ्टली बढ़ रही है एंड दैट इज वाई वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ द मार्केट नॉट बींग इन अ बबल फेज क्योंकि अर्निंग्स आर सपोर्टिव एंड आपको वो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा एज़ जो मार्केट जो चलती है वो ग्रोथ की वजह से चलती है और ग्रोथ क्या है अर्निंग्स हैं अगर अर्निंग्स हैं तो ग्रोथ है ग्रोथ है तो मार्केट तो को चलना ही चलना है आप इन द लॉन्ग रन शॉर्ट टर्म में प्लीज़ अंडरस्टैंड इन अ बुल मार्केट जो हम uh, चार साल एक साल चार साल एक साल की बात कर रहे हैं वो आप बात को समझो अगले दस सालों में ऐसा नहीं है कि पाँच दस पंद्रह बीस परसेंट का करेक्शन नहीं आएगा वो आएगा डेफिनेटली आएगा बट दैट विल बी बॉट इन टू रीजन इज कि एक तो मार्केट की जो ग्रोथ है अंडरलाइन अर्निंग्स पर शेयर वो एक्सपेक्टेड हैं कि वो बढ़ते रहेंगे सो दैट इज़ द बेट विच यू एंड अस हैव टू टेक एज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हमारे को बैलेंस शीट्स पढ़ के हमारे को प्रमोटर्स के यू कैन से भाषण सुन के उनके स्पीचेस सुन के उनके लेटर्स सुन के उनकी बोर्ड मीटिंग्स के नोट्स पढ़ के ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि क्या उनकी अर्निंग्स विजिबिलिटी अगले तीन पाँच दस साल के लिए है या नहीं है ग्रोथ उस इंडस्ट्री में उस पर्टिकुलर सेक्टर में है या नहीं है दैट्स द बेट विच यू हैव टू टेक विच वी हैव डन आर ड्यूटेलिजेंस एट एन इंडिविजुअल लेवल जहाँ पे हमारे को कुछ कुछ पॉकेट्स कुछ कुछ सेक्टर्स कुछ कुछ स्टॉक्स कुछ कुछ फंड्स में ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जहाँ पे अर्निंग्स विजिबिलिटी हैं अगले तीन पांच दस साल के इफ़ वी गैफ इफ वी हैव गॉट दैट राइट देन देर इज नो वे दैट यू आर नॉट गोइंग टू मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम द मार्केट तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि वाई मार्केट इज एक्चुअली गोइंग अप एंड वाई शुड कंटिन्यू टू गो अप